आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के रीयूज प्रोजेक्ट्स, यानी कि कैसे हमारे व्यूअर्स ने, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन लोगों ने अपने पुराने कपड़ों को रीयूज करके टोटली नए आउटफिट बनाए और बहुत ऑसम आउटफिट्स बनाए हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। हम इस टॉपिक पे काफी वीडियोस बना चुके हैं जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इस वीडियो के, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड द ओनली रूल इन दिस वीडियो इज कि कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि एक भी व्यूअर जो है वो डीमोटिवेट हो। सो वी वॉन्ट बी अलाउंग एनी नेगेटिव कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। बाकी अदरवाइज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, सो दैट सब लोग इस चीज को लेकर इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके कि खुद के रियूज प्रोजेक्ट्स भी अच्छी प्लानिंग से, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट, एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें, जो कि हम हर रोज करते हैं एक्सेप्ट मंडेज, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो प्लीज मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी आपको क्लिक करना होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला जो आउटफिट है वो है श्रीदेवी जी का, तो पहले उनका मैसेज पढ़ लेते हैं हम। सिंस आई एम फॉलोइंग योर चैनल सो मच, आई फील यू आर पार्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच श्रीदेवी जी फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। आप में से हर कोई इंसान इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें ड्रॉप करते हैं, ईमेल्स करते हैं, अपने दिन में से स्पेशल टाइम निकाल के अप्रिसिएशन मैसेजेस भेजते हैं, दैट्स लाइक रियली नाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। और लाइक लिटरली आप लोग भी अब एक बहुत मेजर पार्ट हो हमारी लाइफ का। यू ऑल, ईच वन ऑफ यू इज रियली प्रेशियस फॉर अस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीवन। Hi darling, watching all the reuse projects, I stitched lehenga with the old half and half saree of mine. तो इनकी जो साड़ी है ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी, यानी कि ऐसी साड़ी जिसके स्कर्ट एरिया पे आधे में नीचे कुछ वर्क होता है, आधी प्लेन होती है। तो ये जो लहंगा है उन्होंने क्रिएट किया अपनी हाफ एंड हाफ साड़ी में से बनाया है। अब लहंगा की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। आई सेपरेटेड बोथ द पार्ट्स ऑफ द साड़ी, दैट इज पल्लू एंड स्कर्ट डिफरेंटली। साड़ी का पल्लू और स्कर्ट एरिया उन्होंने अलग अलग कर दिया। सबसे पहले पल्लू इज टर्न इन टू दुपट्टा एंड स्कर्ट इज स्टिच्ड इन नाइफ प्लीट्स। तो जो पल्लू है उसका उन्होंने दुपट्टा बना लिया, जो स्कर्ट है उसका फ्लेयर उन्होंने नाइफ प्लीट से बनाया, विच इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, क्योंकि हाफ एंड हाफ साड़ी थी, पैटर्न कट जाता, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली जो फ्लेयर है उसे नाइफ प्लीट से क्रिएट किया है। गैदर्स के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आई प्रिपेयर्ड लटकन्स फ्रॉम लेफ्ट ओवर क्लोथ फ्रॉम ओल्ड दुपट्टाज, दिस इज लाइक रियली नाइस। पुराने दुपट्टाज में से उन्होंने ये हैंडमेड लटकन बनाया है। ये एक कोई नई चीज है जो सुनने को मिली है मुझे, कि पुराने दुपट्टा का जो फैब्रिक है उसका उन्होंने लटकन बना लिया, विच इज वेरी इंप्रेसिव। एंड आई पेयर्ड विद ब्लाउज फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक विद डायमंड डिजाइन एंड अटैच्ड लेस ऑन स्लीव्स एंड अराउंड द नेक। जो ब्लाउज है उन्होंने डिफरेंट फैब्रिक में से बनाया, ऑब्वियसली उनको एक अलग फैब्रिक की जरूरत होगी, बिकॉज दुपट्टा और स्कर्ट निकालने के बाद ब्लाउज के लिए कपड़ा नहीं बचा होगा, तो उसके लिए उन्होंने अलग से जो कपड़ा है वो पेयर कर लिया साथ में, और लेस के साथ हाईलाइट किया अपनी नेकलाइंस और स्लीव्स को। एंड आई जस्ट अटैच अ स्मॉल बीडेड हैंगिंग्स टू नेक डिजाइन पार्ट, और नेक के साथ भी उन्होंने बीडेड हैंगिंग्स लगाए हैं। सो बहुत सिंपल और सटल तरीके से उन्होंने इतना सुंदर लहंगा अपना जो है उसे रेडी कर लिया। आई रियली लाइक योर वर्क श्रीदेवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट है शिखा जैन जी। ये रेड कुर्ती मैंने चुन्नी से बनवाई है, दुपट्टा से उन्होंने ये रेड कुर्ती अपनी क्रिएट करवाई है, और ये गोल्डन अपर पार्ट अलग से यूज किया है, जो टेलर के पास कपड़ा बचा था उसने वो ऐड कर दिया गोल्डन कपड़ा। ओके, अपर जो पार्ट है उनके टेलर के पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था, उन्होंने वो यूज करके उसका अपर पार्ट बनाया कुर्ती का, और कोल्ड शोल्डर बनवाए इसमें मैंने। गोल्डन लेगिंग्स मेरे पास पहले से थी जो इसके साथ पहनी। ये एक दुपट्टा रियूज प्रोजेक्ट है बेसिकली उनका, तो उन्होंने पुराने दुपट्टा में से अपनी ये कुर्ती जो है वो क्रिएट करवाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो योक है वो पूरा वेस्ट लाइन तक का नहीं है, सिर्फ एक डिजाइन डिटेल ऐड करने के लिए इतनी लेंथ का जो योक है वो उन्होंने ऐड किया। इट्स लाइक अ शॉर्ट योक, पूरा वेस्ट तक का नहीं है, एंड एक डिजाइन एलिमेंट और ऐड करने के लिए उन्होंने कोल्ड शोल्डर्स रख लिया। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप एक ही कपड़े में से जो भी आपको बनाना, अगर आप रीयूज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वो आपका वही कपड़ा यूज हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना हो। द थिंग इज कि आपको उस चीज को बाद में पहनना भी है, तो जो चीज आपको पसंद है, जैसा डिजाइन आपको पसंद है, अगर आपको उसके लिए कुछ परचेज भी करना पड़ रहा है बाहर से, छोटा फैब्रिक का पीस या कुछ भी, तो आप कर लीजिए, बिकॉज वो वर्थ इट है। द थिंग इज, बट द बेस्ट ऑप्शन इज कि पहले आप सोर्सेज चेक कीजिए, आपके घर में और कोई पुराने कपड़े तो नहीं है जो यूज हो जाए। सो यहाँ पे उन्होंने अपने डिजाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मेरे को हाँ दुपट्टा यूज करना है पूरा, मैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं ऐड करूंगी। शी एडेड गोल्डन योक टू इट, जो कि उनकी डिजाइन प्रेफरेंस थी, एंड द आउटकम इज लाइक रियली इंप्रेसिव। नेक्स्ट है अंजू मौर्य जी का डिजाइन। हेलो मैम, योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। आई यूज योर मेनी आइडियाज वेन आई क्रिएट आउटफिट्स, दैट्स ग्रेट।
आई हैव क्रिएटेड दिस आउटफिट इज विद ओल्ड साड़ी, पुरानी साड़ी से उन्होंने ये आउटफिट अब बनाया है. ब्लाउज इज मेड ऑफ साड़ी पल्ला, ब्लाउज उन्होंने साड़ी के पल्लू में से बना लिया. स्कर्ट विद होल साड़ी एंड बॉट दुपट्टा फ्रॉम मार्केट, दुपट्टा इन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा परचेज करके इसके साथ पेयर किया. अदरवाइज पल्लू में से जिसमें बड़ा प्रिंट था उन्होंने ब्लाउज बना लिया और बाकी साड़ी में से स्कर्ट बना लिया. दिस इज रियली ब्यूटिफुल. आई लाइक कि उन्होंने प्रिंटेड जो साड़ी है उसको यूज करके ये क्रिएट किया है. इट्स वेरी नाइस, लाइक रियली नाइस. आई थिंक प्रिंटेड जो लहंगाज हैं काफी टाइम से इन ट्रेंड है. इवन द डिजाइनर्स और सब्यसाची जैसे डिजाइनर्स जो हैं वो लोग भी प्रिंटेड आउटफिट्स को काफी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से. सो इट्स लाइक रियली इन ट्रेंड राइट नाउ. तो उन्होंने ये जो पूरा लहंगा है वो प्रिंटेड में से बनाया, इट्स वेरी नाइस. पुरानी साड़ी भी रियूज हो गई और एक इन ट्रेंड में जो चीज है चल रही है वो भी उन्होंने अपना जो आउटफिट है क्रिएट कर लिया है. आई रियली लाइक योर वर्क. नेक्स्ट है मिस यादव. आई डोंट नो इनका कंप्लीट नेम क्या है बिकॉज इन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर की आईडी से इमेजेस शेयर की थी और अपना नाम शायद मेंशन करना ये भूल गए थे. सो प्लीज मेंशन योर कंप्लीट नेम ताकि आपको प्रॉपर क्रेडिट्स हम दे पाए. इनका मैसेज पढ़ लेते हैं. हेलो दी, नमस्ते. नमस्ते, मैं चंडीगढ़ से हूँ. मैंने मम्मी की पुरानी साड़ी से अपने लिए दोनों ड्रेस खुद बनाई है. सो उन्होंने दो ड्रेसेस बनाई हैं. वन इज अ मैक्सी ड्रेस एंड सेकेंड है ये जो उन्होंने सूट सेट खुद के लिए क्रिएट किया है. द थिंग इट्स वेरी क्लियर कि उन्होंने योक से, यहाँ पे योक जो है उन्होंने पल्लू में से निकाला है. बाकी स्ट्रेट सूट जो है उन्होंने अपनी साड़ी में से निकाल लिया. साड़ी के बॉर्डर्स एज इट इज यूज हुए हैं कुर्ती पे और ट्राउजर के बॉटम्स पे. नेक्स्ट जो उनकी मैक्सी ड्रेस है उसमें भी अगेन जो पल्लू है स्लीव और योक पल्लू में से उन्होंने ले लिया. बाकी पूरा जो फ्लेयर है उन्होंने स्कर्ट में से क्रिएट कराया. इट इज लाइक रियली प्रिटी. ड्रेसेस बहुत सिंपल और एलिगेंट हैं और इन्होंने बहुत वाइजली यूज किया है जो अपनी साड़ीज हैं कि किस टाइप की साड़ी है उसमें क्या चीज ज्यादा सुंदर बन के आएगी. मैक्सी ड्रेस के लिए स्ट्राइप्स वाला ये जो पैटर्न उन्होंने सिलेक्ट किया इट्स लाइक वेरी नाइस. तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब हम मैक्सी ड्रेसेस क्रिएट करना चाहते हैं हम फैब्रिक्स ऐसे चुन लेते हैं जो एट द एंड लुक ऐसा दे देते हैं कि वो अनारकली है. तो बहुत वाइजली इन चीज़ों को पिक करना होता है जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया. पूरा बनने के बाद हाँ वो अनारकली का लुक नहीं दे रहा, इट लुक्स लाइक कि हाँ एक्चुअली मैक्सी ड्रेस है. एंड द सेकेंड सूट जो उन्होंने बनाया इट्स लाइक रियली प्रिटी. हमने भी अपने क्लाइंट को सेम कलर में ऐसा सूट बना के दिया था. आई थिंक हमने पिक्चर यूट्यूब पे भी शेयर की थी. तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सूट. सो आई रियली लाइक योर वर्क एंड इट्स लाइक रियली इम्प्रेसिव. प्लीज मेक श्योर अगर आप अगली बार अपना काम हमारे साथ शेयर करें तो अपना कंप्लीट नाम भी हमें बताएं. नेक्स्ट है सौम्या शेट्टी जी ने ये ड्रेस बनाई है आउट ऑफ अ साड़ी. पल्लू उन्होंने यूज किया योक में और जो साड़ी के बॉर्डर्स थे वो उन्होंने नीचे फ्लेयर पे यूज कर लिए हैं. सो बहुत सिंपल एलिगेंट ड्रेस है. द होल ड्रेस इज आउट ऑफ वन साड़ी ओनली. तो आप में से जो लोग नहीं प्रेफर करते कि बाहर से कुछ खरीदना है हमें आउटफिट में, आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप पूरा जो आउटफिट है वो एक ही उसमें से बनवाइए. जैसे आप साड़ी रियूज करें एक ही कपड़ा उसमें यूज कीजिए. जस्ट आपको प्लेसमेंट डिसाइड करनी होगी कि कहाँ पे आप किस चीज का क्या बनाना चाहते हैं. इन्होंने एक और डिजाइन हमारे साथ शेयर किया जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है. इन्होंने लिखा है कि प्लेन साड़ी में से इन्होंने बनाया. सो आई डोंट नो कि प्लेन साड़ी एक ही साड़ी में से ये निकला है, दो डिफरेंट साड़ीज हैं, एक साड़ी थी एक अलग से फैब्रिक था. सो आई डोंट नो कि पूरा डिटेल क्या है. बट उन्होंने उनका साड़ी रियूज प्रोजेक्ट है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जब भी आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज कंप्लीट डिटेल्स हों आपकी, क्योंकि शेयरिंग का फिर मजा उससे ज्यादा और अच्छा हो जाता है. समझ जल्दी आता है देखने वालों को कि हाँ क्या यूज किया, कैसे प्लेसमेंट किया एंड ऑल दैट. सो प्लीज मेक श्योर अगर आप हमारे साथ अपनी ड्रेसेस शेयर कर सकते हैं आप हमें जीमेल पे भेजिए, फेसबुक पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं. बट मेक श्योर कि पिक्चर्स क्लियर हो, सेकेंड डिटेल हो, हर छोटी से लेकर हर बड़ी डिटेल तक सब कुछ शेयर कर डालिए कि फैब्रिक क्या था, कैसे आपने क्रिएट किया, क्या चीज बाहर से खरीदी, क्या चीज आपने किस तरीके से बनाई. सो प्लीज मेक श्योर कि पूरा इन डिटेल हो. और सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स भी भेज सके कि पहली साड़ी कैसी थी, फिर कैसी हुई, पहले दुपट्टा कैसा था फिर कैसे हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. सो इफ यू हैव सच रीयूज प्रोजेक्ट्स प्लीज कीप सेंडिंग इट टू अस सो दैट हम बाकी लोगों से शेयर कर सकें. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वर्क. तो अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है यू नो वॉट यू हैव टू डू. आपको हमारी वीडियोज लाइक और शेयर करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपको बाकी रियूज प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देखनी है उनका सबका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज गो एंड चेक. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.